Hi, it's me Anu and welcome to my YouTube channel which is Anu's All in One। तो guys आपको thumbnail से आज पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में वीडियो बना रही हूँ। जितने भी स्टार मेकर के यूज़र हैं या जिन्होंने नया ज्वाइन करा है और अच्छे सिंगर्स भी हैं, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और उनको उनको बहुत उदास हो जाते हैं वो कि मेरे इतने अच्छे सिंगिंग के बावजूद भी मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, मैं इतने दिन से स्टार मेकर में हूँ, मेरे फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, बाकी लोगों के फॉलोवर्स इतने इतने हो गए हैं जो मेरे बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके भी फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं बट मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सबके जहन में एक सवाल होता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि स्टार मेकर में मैं भी फॉलोवर्स गेन कर सकूँ। तो आज मैं आपको उसी बारे में उसी से रिलेटेड टिप्स देने जा रही हूँ कि जब मैंने स्टार मेकर ज्वाइन किया था और जब मुझे भी ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था तो मैंने क्या किया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं से ना मैंने सुना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि 100% जिसने वर्क किया। तो आज मैं आपको वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ और आई एम श्योर कि जैसे मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए और आज 4 लाख समथिंग हैं, तो आप लोगों के भी जल्द से जल्द फॉलोवर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आजकल जो स्टार मेकर में चल रहा है वो फेक फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं, जो कि आई थिंक हमारे में से और आप में से कोई भी फेक फॉलोवर्स नहीं चाहता होगा। फेक फॉलोवर्स मीन्स अपने अपने 8-10 दोस्तों का ग्रुप बना लिया और बोला कि तुम 50 ID बनाओ, तुम 50 ID बनाओ, तुम 50 ID बनाओ और जितनी ID बन जाएंगी वो हमें फॉलो करना, फिर मतलब एक दूसरे को सब लोग फॉलो कर लेंगे, वो 50 ID 5 दोस्तों की उनको फॉलो कर लेंगी तो उनके ढेर सारे फॉलोवर्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसे फॉलोवर्स से कोई मतलब नहीं होता है जो मतलब डेड फॉलोवर्स हों, मतलब एक ID हो केवल लेकिन वो बंदा हो ही ना, मतलब रियल फॉलोवर हो ही ना, तो ऐसा फॉलोवर्स कोई भी नहीं चाहता है गाइज। ना आप चाहोगे ना मैं चाहूँगी, जो भी चाहेंगे आप लोग रियल फॉलोवर्स चाहेंगे, ऐसे फॉलोवर्स जो आए आपके गाने को भले ही पूरा ना सुने, थोड़ा सुने और थोड़ा कमेंट करके जाएं, तो ऐसे फॉलोवर्स आपको भी पसंद आते हैं और हमको भी पसंद आते हैं। केवल फॉलोवर्स का नंबर ऑफ फॉलोवर्स बढ़ाना ही हमारा एम नहीं होता है, हमें हमारा एम होता है कि सिंगिंग से हमारी पहचान बने। तो आज मैं आपको वो सारे टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आपके रियल फॉलोवर्स बढ़ेंगे, नॉट फेक। फेक फॉलोवर्स मैंने भी कभी गेन करने नहीं चाहे और ना ही मैंने कभी इस तरफ कदम उठाया है कि मैं फेक फॉलोवर से अपनी फॉलोइंग लिस्ट बनाऊं। जितने भी फॉलोवर हैं जेन्युइन हैं और उसके बाद जब मैं वेरीफाइड सिंगर के ग्रुप से जुड़ गई तो वो लोग फॉलोवर्स वहां से बहुत सारे मिलते हैं। तो अगर आप लोग सिंगर के ग्रुप से जब तक आप नहीं जुड़े हैं या फिर आप एक वेरीफाइड सिंगर नहीं हैं तो फिर आप अपने फॉलोवर कैसे गेन करें, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो गाइज़ सबसे पहला और जो काम करती है टिप वो ये होती है कि फर्स्ट बी एक्टिव इन स्टार मेकर। गाइज़ किसी भी एप्लीकेशन का रूल होता है कि जितना टाइम आप एप्लीकेशन को दोगे उतना वो आपको प्रमोट करेगी। अगर आप टाइम दे रहे हो किसी भी एप्लीकेशन पे XYZ, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एप्लीकेशन पे आप जितना एक्टिव रहोगे वो एप्लीकेशन आपको उतना सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले बी एक्टिव। बी एक्टिव का मतलब ये नहीं कि एक दिन में आपने 10 गाने पोस्ट कर दिए और आप कह रहे हैं देखो मेरे गाने तो कोई सुन भी नहीं रहा है और रोबोट के कमेंट आ रहे हैं खाली और कोई सुन भी नहीं रहा है, मैं तो इतना एक्टिव हूँ मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है। नो, एक दिन में 10 गाने पोस्ट कर दिए और उसके बाद एक हफ्ते तक आप दिखाई भी नहीं दिए स्टार मेकर में तो वो नहीं काम करेगा, वो वर्क नहीं काम करेगा। एक दिन में अगर आपके पास बहुत टाइम है तो एक दिन में आप एक सॉन्ग पोस्ट करिए, सेकंड डे में आप सेकंड सॉन्ग पोस्ट करिए, नहीं तो आप एक दिन में एक सॉन्ग पोस्ट करिए, 2 दिन बाद फिर सॉन्ग पोस्ट करिए, मतलब कंटिन्यूटी अपनी स्टार मेकर के साथ आप बनाए रखिए। आप अपने स्टार मेकर से दूर मत होइए, डेली एक सॉन्ग पोस्ट करिए अगर आपके पास है तो, डेली बी एक्टिव और डेली पर्पस, डेली एक सॉन्ग आप पोस्ट करिए और आप फिर देखिए उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। स्टार मेकर आपको आपके सॉन्ग प्रमोट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपकी फॉलोइंग जो होगी, फॉलोअर्स जो होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। सेकंड ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोलाब बनाइए। कोलाब बनाने से क्या होता है, आपके साथ जो भी ज्वाइन करेगा, डजेंट मैटर कि आपने कोलाब बनाया तो 3-4 लोगों ने ही ज्वाइन करा या हो सकता है 100 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया हो, फिर भी हम छोटा लेके चलते हैं क्योंकि हम अभी बिगिनर्स हैं स्टार मेकर में, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोलाब बनाया और आपका कोलाब कुछ 6-7 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक।
तो फिर वो 6-7 लोगों ने जो ज्वाइन करा, उनके जो फॉलोअर्स होंगे, वो रियल फॉलोअर्स होंगे, वो आपका सॉन्ग देखेंगे, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा गा रहा है, जिसने इसके साथ ज्वाइन करा फटाक से वो आपको फॉलो कर लेंगे। तो ये होता है, आप कोलाब बनाइए, पहले कोलाब बनाइए और हो सके तो वीडियो कोलाब बनाइए और बहुत अच्छे से एक्शन करते हुए गाने के साथ, जैसे हम लोग गाते हैं ना एकदम मगन होकर के, वैसे गाइए तो आप लोग के फॉलोअर्स 100% इंक्रीज़ होंगे। थर्ड पॉइंट ये होता है, सेकेंड पॉइंट बता दिया मैंने, आप कोलाब बनाइए। थर्ड पॉइंट, कोलाब ज्वाइन करिए। और कोलाब ज्वाइन ऐसे मत करिए कि अरे वाह आजकल ये टॉप पे चल रहा है, इसके साथ ज्वाइन करती हूँ तो मैं पॉपुलर होऊंगा या करता हूँ तो मैं पॉपुलर होऊंगा, कभी नहीं। कोलाब हमेशा आप ज्वाइन करिए, आपको जो भी गाना सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया है हम यार है तुम्हारे, दिलदार है, मतलब कोई भी गाना सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद में आपने वो सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद में आप ड्यूएट पर गए, आपने देखा वन नंबर में बहुत सारी ज्वाइनिंग है, ज़रूरी नहीं है वन नंबर पे बहुत सारी ज्वाइनिंग हो तो उसने बहुत अच्छा गाया ही हो, वन नंबर को सुनिए, टू नंबर को सुनिए, थर्ड नंबर को सुनिए, आपको जो बेस्ट लगे कि हाँ यार इसने अच्छा गाया है, तो हमेशा ज्वाइनिंग अच्छे सिंगर के साथ करिए। हर फेमस सिंगर अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं होता, बट हर अच्छा सिंगर फेमस हो जाए ये 100% होता है। तो गाइज आप लोग ये मत सोचिए कि वो फेमस है, वो बहुत बड़ी ब्रॉडकास्ट है तो मैं उसके साथ ज्वाइन करूंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप हमेशा अपना कोलाब, अगर आपकी अच्छी आवाज़ है, अच्छे सुर लय ताल में है, तो आप एक भले ही एक छोटे छोटे मतलब लेवल के बंदे के साथ आप ज्वाइन करिए, भले ही उसकी फॉलोअर्स कम हो, लेकिन अगर आप अच्छा तालमेल बैठ रहा है दोनों के साथ तो लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो शेयर करते जाते हैं, और शेयर करने से, रिपोस्ट करने से आप लोगों को मालूम है कि फॉलोअर्स बढ़ते हैं, क्योंकि जब बंदा कोई रिपोस्ट करता है तो वो उसकी प्रोफाइल में जाता है और फिर जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसको देख लेते हैं, फिर वो सुनते हैं कि ये तो अच्छा गाता है, यानी इसने भी जिसके साथ ज्वाइन करा होगा वो भी अच्छा गाता होगा, तो चलो सुनते हैं, तो वो लोग सुनते हैं और इस तरह से हमारे फॉलोअर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट ये आता है गाइज कि ऐसा ज़रूर करो कि जो फेमस चल रहा हो उसके साथ ज्वाइन करो, बट फेमस और अच्छा सिंगर हो तो ही उसके साथ ज्वाइन करो, फेमस और अच्छा सिंगर हो तो ही उसके साथ कोलाब ज्वाइन करो। अगर वो फेमस है और सिंगर अच्छा नहीं है, बकवास गाता है, तो उसके साथ ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ पॉइंट के साथ आपको मैं ये एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ी सी मतलब जो ब्रॉड पे जाओ आप दूसरों के, जो अच्छे गाना गाते हैं और लाइव करते हैं, फेमस है, उनसे रिक्वेस्ट करिए एक बार हमारा सुन के देखिए, आप हमारे साथ ज्वाइन करिए। वो अगर आपके साथ ज्वाइन करेगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो आपका अच्छा फ्रेंड बन गया है उसके ब्रॉड पे जाते जाते, तो वो बंदा अगर आपके साथ कोलाब ज्वाइन करेगा तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आप इनके साथ ज्वाइन करोगे और अगर ये अच्छे सिंगर है तब तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये बकवास गाते हैं बस ये फेमस हैं तो आपके कोई वो नहीं है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अपना कोलाब हमेशा एक अच्छे सिंगर के साथ ज्वाइन करना, केवल मतलब हाई प्रोफाइल के पीछे मत भागना कि अरे इसका तो 52 लेवल है, इसका तो 54 लेवल है, अरे ये तो टॉप ब्रॉडकास्टर है। आप कड़वा है पर सच है कि यहाँ बहुत ऐसी टॉप ब्रॉडकास्टर बैठी हैं जिनके सुर लय ताल से वो पैदल हैं, और इसमें आपको मालूम है कि मैं नाम नहीं ले रही किसी का, और बहुत सी ऐसी हैं जो वाकई बैठी हैं और एकदम परफेक्ट हैं। तो अगर जो टॉप पे बैठी है ज़रूरी नहीं है वो गाने में अच्छी हो, तो आप उनके साथ कोलाबरेट कर ले, कोलाब ज्वाइन कर ले, और आपका कोलाब बिल्कुल भी नहीं चलेगा और कोई भी उसे नहीं सुनेगा, बल्कि आपको लोग अरे किसके साथ ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन अगर वो एक अच्छा सिंगर और जो वाकई स्टार मेकर में सिंगिंग के लिए अपना जाना जाता है, लोग जिसके सिंगिंग के फ़ैन हैं, उसके साथ अगर वो आपके साथ ज्वाइन करता है तो आपके फॉलोवर्स 100% गेन होंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि अगर आप चाहो तो आप भी ब्रॉडकास्टिंग करो, भले ही इनकम के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए। आपका शौक है, आप अच्छे सिंगर हो, आप ब्रॉड करो, अपना ब्रॉड करो, अच्छे से बैठो, अपना बैकग्राउंड अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल जगह बैठ जाओ, अच्छा सा माइक है तो भी ठीक, नहीं तो ये नॉर्मल माइक है तो भी ठीक। अगर आपके पास कला है, अगर आपके पास आवाज़ है, अगर आपके पास सुर लय ताल है, एक आप परफेक्ट सिंगर हो, तो कोई मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका माइक कैसा है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर आपकी सिंगिंग बोलती है। आपका बैकग्राउंड या फिर आपका मेकअप या फिर आपका
माइक नहीं बोलता है, अगर आप गाओगे बिना म्यूज़िक गाओगे तो भी लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे उतने ही। तो अगर आप अच्छे सिंगर हो तो लाइव करना चालू करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सैटरडे संडे में आ जाओ, वीकेंड्स में आ जाओ, 1 घंटा लाइव करो और फिर उसी टाइम को मैनेज करो। अगर आप शाम को 7 से 8 लाइव कर रहे हो किसी भी एक दिन सैटरडे संडे को, तो आप इतने अच्छे सिंगर हो कि लोगों को आपका इंतज़ार हो कि आज अभी 7 से 8 के बीच में वो आने वाला है या वो आने वाली है, और मुझे सारा काम छोड़ कर उसके गाने सुनने जाना है, क्योंकि ही इज़ अ गुड सिंगर और शी इज़ अ गुड सिंगर। तो ये एक बनाए रखो कंटिन्यूटी गाइज। मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो करा और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं, मतलब जब पहले ही ईयर में थी, मैं जब ज्वाइनिंग करी थी तो ही मेरे एकदम से फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि मैंने यही सब करा था। मैं कोलाब ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोग देख रहे हो तो आप लोग भी देखिएगा, मैं कोलाब मेरे बहुत सारे हैं वीडियो कोलाब, और किसी में 10,000 ज्वाइनिंग है, किसी में 6,000 है, किसी में 8,000 है, किसी में 12,000 है, मतलब बहुत से कोलाब मेरे बहुत फेमस हुए हैं जिनमें इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, और उसी के कारण मेरे रियल फॉलोअर्स बने हैं जो कि वाकई मेरी सिंगिंग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिंगिंग पसंद करते हैं, वो फॉलोअर्स आप लोग गेन करिए, फेक फॉलोअर गेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कि आप अपने दोस्त से कह दो 50 ID तुम बना दो, 50 तुम बना दो तो 100 ID हमको फॉलो कर लेना, फिर हम बनवा देंगे, फिर हम तुमको फॉलो कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके फेक हैं। क्योंकि आपका दिल क्या मानेंगे ऐसे फॉलोअर्स को, कि जो रियल नहीं हो, ऐसे पड़े रहेंगे आप लोग को ना कमेंट करेंगे ना कुछ करेंगे, ऐसे फॉलोअर्स आपको चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए और किसी को नहीं चाहिए होते। आप किसी भी एप्लीकेशन में जाते हो तो आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, फेक लोगों से कभी पहचान नहीं बनती, पहचान हमेशा बनती है आपका रियल टैलेंट देखने वाले कितने आपके फॉलोअर्स हैं उनसे पहचान बनती है गाइस। तो और दूसरी चीज़ और 6th पॉइंट है कि अगर आपका कोई भी शेयर नहीं कर रहा है तो आप जो भी अपना किसी के साथ कोलाब करो या जो भी अपना सॉन्ग पोस्ट करो उनको रिपोस्ट मारते रहो, मतलब हर 1 घंटे में आप रिपोस्ट करते रहो, रिपोस्ट 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 होता है ना, उसको रिपोस्ट करते रहो, तो भी आपके मतलब लोग सुनते हैं और आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़ है, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो करी हैं, मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने क्या क्या करा है फॉलोअर्स गेन करने के लिए, रियल फॉलोअर्स गेन करने के लिए, मतलब यही सब चीज़ें। और हाँ, जो ट्रेंडिंग के सॉन्ग चल रहे हैं उनको गा के चलो, आजकल तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, पहले ये सब नहीं था। हैशटैग सॉन्ग आए हैं, एक हैशटैग स्क्वायर आता है ना स्टारमेकर में आजकल, हैशटैग स्क्वायर, तो उसमें जाके जो भी हैशटैग है आपको उस हैशटैग के अंदर जो भी गाना गाने का मन है आप गा दो। अगर आपको आजकल कॉमन जो हैशटैग है वो चल रहा है सुरीली धुन, सुरीली धुन में गाना गा दो, हैशटैग डाल दो सुरीली धुन, स्पेलिंग सही होनी चाहिए नहीं तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। सुरीली धुन डाल के उसको हैशटैग डाल के आप कोई भी गाना गा दो अच्छा सा, वीडियो करोगे तो बहुत ही अच्छा है, वीडियो ज़्यादा आजकल चल रहे हैं तो वीडियो करोगे तो लोग खुश होंगे कि हाँ। तो गाइज यही टिप्स होती हैं जो आपको स्टार मेकर में आपकी फॉलोवर्स गेन कराती हैं। और फेक फॉलोवर्स रहिए तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ का सपोर्ट नहीं करती हूँ जो फेक होती है, क्योंकि ना मैंने आज तक किया है और ना मुझे पसंद है, मुझे हर चीज़ रियल पसंद है। यहाँ पर भी मेरे जितने सब्सक्राइबर हों रियल हो, जिनको मेरे वीडियो पसंद आए, भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, डजेंट मैटर कि मुझे मेहनत करते करते यहाँ पे 5 साल लग जाएं, लेकिन मेरे जो भी सब्सक्राइबर गेन होंगे वो रियल होने चाहिए, जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हो और जिनको वाकई लगता हो कि ये नॉलेजफुल है और इनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, वो मेरे सब्सक्राइब करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत खुशी भी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और देख रहे हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो और मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो गाइज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है अनूज ऑल इन वन। इसमें मैं आपको स्टार मेकर से रिलेटेड सारी जानकारियां देती रहूंगी, जो भी आपकी क्यूरी हो आप इनबॉक्स मतलब मैसेज कर दीजिएगा, मैं कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं देख करके अगर मुझे उसकी अच्छी जानकारी होगी तो मैं पोस्ट करूँगी, नहीं होगी तो मैं कोई भी फालतू जानकारी के साथ कभी भी कोई भी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ये पसंद ही नहीं है कि मुझे उस बारे में जानकारी ना और मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ वीडियो बनाने, तो मुझे वो बात पसंद नहीं है। तो अभी तक मैंने आप तो जितनी भी जेन्युइन मतलब जानकारी दी है वो सब जेन्युइन है, चाहे वो आपका वेरीफाइड सिंगर का टैग कैसे मिलता है, जो अपडेट्स आई है वो भी मैंने जेन्युइन बताई है, वो आप काम करेंगे तो ज़रूर आपको टैग मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइज एक सीधा रास्ता अपनाया करो, हर चीज़ को पाने के 2 रास्ते होते हैं,
एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। जो लंबा होता है वो हमेशा ज़्यादा दिन टिकता है, जो छोटा होता है उसकी उम्र बहुत कम होती है, आपको सब पता है। तो भले ही लॉन्ग आपको चलना पड़े, लेकिन जो चीज़ मिले वो आपकी मेहनत की और हमेशा के लिए रहे, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, बात आप सबको पता है। और यही किया करिए, शॉर्टकट मैथड हमेशा आगे चल के चौपट होता है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अगर आप ये सारे टिप्स मेरे बताए हुए फॉलो करेंगे तो 100% आपके फॉलोअर्स अच्छे गेन हो जाएंगे। हो सकता है एक दो पॉइंट्स और छूट गए हों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी ऐड करके। तो गाइस थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ अनूज ऑल इन वन, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, शाम को पोस्ट करूँ या दोपहर को पोस्ट करूँ, आपको पता चल जाए कि अनु ने कोई वीडियो पोस्ट कर दिया और आप लोग उसे देख सकें। थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।